मैं डॉक्टर कृति रस्तोगी आज आपके सामने एक नया स्पेशल वीडियो लेकर रही हूँ। टॉपिक का नाम है अमेंडमेंट इन एफडीआई पॉलिसी 2017। इस पॉलिसी या इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें तीन बातें समझनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एफडीआई का मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए, दूसरा एफडीआई का बेनिफिट या एफडीआई से क्या लाभ होते हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, भारत में एफडीआई आने के क्या तरीके हैं यानी किन मार्ग से भारत में एफडीआई अलाउ की जाती है, और फिर हम लास्ट में ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी स्थिति आई जिसकी वजह से भारत को अपनी एफडीआई पॉलिसी में अमेंडमेंट यानी संशोधन करना पड़ा। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं कि एफडीआई होती क्या है। अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसके अगर अर्थ की बात करें तो सामान्य भाषा में कहते हैं कि यदि किसी कंपनी में विदेश से आने वाली कोई कंपनी उस घरेलू कंपनी की कुल पूंजी का 10% या उससे अधिक का निवेश कर देती है या उसकी शेयर परचेज कर लेती है तो इसे वो कंपनी एफडीआई के है, उसको वह कंपनी एफडीआई के रूप में लेती है। अगर इसे उदाहरण के माध्यम से समझा जाए तो मान लेते हैं जैसे भारत में इंफोसिस कंपनी है भारत की और इसमें अमेरिका की अमेज़ॉन कंपनी निवेश करती है, और मान लीजिए ये जो अमेज़ॉन से निवेश आता है वो इंफोसिस की कुल पूंजी का 10% या उससे अधिक का शेयर अमेज़ॉन खरीद लेती है, तो इंफोसिस के लिए अमेज़ॉन का शेयर खरीदना एफडीआई कहलाएगा। तो इस एफडीआई के लिए की वजह से जो अमेज़ॉन कंपनी है उसे इन्फोसिस का मालिकाना हक मिल जाएगा। यानी इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर किसी विदेशी कंपनी ने भारत की किसी कंपनी के कुल पूंजी का 10% या उससे अधिक का शेयर खरीद लिया है तो उस विदेशी कंपनी को उसके डिसीजन मेकिंग, उसकी पॉलिसी मेकिंग में बराबरी की हिस्सेदारी मिलती है, यानी उसके दैनिक क्रियाकलाप, उसकी नीतियां बनाने के टाइम पर या किसी प्रकार के इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में वो कंपनी बराबर की उसकी भागीदारी होगी। यहाँ हमें एक चीज़ और समझनी है कि बेनिफिट क्या होता है इस तरीके के विदेशी निवेश के आने से। तो अगर हम सामान्य भाषा में देखें तो अगर किसी देश में एफडीआई आती है तो सबसे पहला लाभ उस इकॉनमी के लिए होता है कि विदेशी मुद्रा भंडार उसका बढ़ता है, क्योंकि विदेश से निवेश हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फॉरेक्स करेंसी में आ रहा होगा यानी विदेशी मुद्रा में आ रहा होगा, तो इससे हमारी विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है, और जब वहाँ से निवेश हमारे देश में आता है तो इससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, यानी कि जब वो कंपनी हमारे देश में आएगी तो यहाँ पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, यानी यहाँ पर बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाएगी, और जब फैक्ट्रियाँ लगाएगी तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी होगा, एम्प्लॉयमेंट के साथ यहाँ प्रोडक्शन भी होगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो जीडीपी भी बढ़ेगी, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। और जब विदेशी कंपनी आती है निवेश के लिए तो यहाँ साथ ही साथ अपनी नई तकनीकें भी लेकर आती है। इसका लाभ ये मिलता है कि नई तकनीकों का प्रयोग करके वस्तुओं का जब आप उत्पादन करते हैं तो इससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब कमी आती है तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए तो एफडीआई किसी भी इकोनॉमी के लिए वरदान साबित होती है। अब बात की जाती है कि एफडीआई आती कैसे है। तो एफडीआई आने के भारत में दो मार्ग हैं। पहले मार्ग को कहते हैं ऑटोमेटिक रूट और दूसरे मार्ग को कहते हैं गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है स्वचलित मार्ग, यानी इस रास्ते से ऐसी एफडीआई आती है जिसमें आपको सरकार या आरबीआई से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन गवर्नमेंट रूट में इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि आपको सरकार से पूछे बिना आप देश में निवेश नहीं कर सकते। तो इस तरीके से दो मार्गों से भारत में एफडीआई का आगमन होता है। तो हमने एफडीआई का अर्थ देख लिया, एफडीआई से होने वाले लाभ देख लिए, और साथ ही साथ में ये भी जान लिया कि एफडीआई हमारे देश में किन मार्गों से प्रवेश करती है। अब जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमने एफडीआई पॉलिसी 2017 में कोविड-19 के दौरान हमने इसमें संशोधन क्यों किया।
कहानी यहाँ पर ये शुरू होती है कि जब हम लोगों ने COVID-19 के दौरान लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन होने की वजह से पूरी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कच्चे माल का जो सप्लाई थी वो बंद हो गई क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन रुक गया था, यानी कुल मिलाकर सारी इकोनॉमी ठप हो गई थी, जिसका एक जो सबसे बड़ा निगेटिव प्रभाव ये पड़ा कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी जो शेयर बाजार में लिस्टेड थी उनकी मनी वैल्यू या उनका कुल पूंजी जो उनकी एसेट वैल्यू थी वो धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि जब वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, वो कोई सामान नहीं बेच कर रहे हैं तो उनको लाभ भी नहीं हो रहा, और जिसकी वजह से उनकी जो एसेट वैल्यू थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई। इसी स्थिति का फायदा उठाना शुरू किया चाइना ने, और चाइना की कंपनियों ने भारत के शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसी का ही एक एग्जाम्पल था कि भारत के HDFC बैंक, जो निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक है, उसमें चाइना के कंपनी ने बैंक ऑफ चाइना, पीपल बैंक ऑफ चाइना ने यहाँ पर निवेश किया और उसके 0.1% जो शेयर थे उसको बढ़ाकर बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे। तो इसका साफ मतलब था कि जो स्थिति कोविड लॉकडाउन की वजह से हमारे देश में शेयर बाजार की जो वैल्यू घट रही थी उसका फायदा चीन उठा रहा था। अर्थशास्त्र की भाषा में अगर कहें तो ये अवसरवादी अधिग्रहण की संज्ञा इसे दी जा सकती है, यानी अवसर का फायदा उठा रहा था चीन कि यही मौका है कि कंपनियों की ब्रांड वैल्यू गिरी है, शेयर वैल्यू गिरी है, और यही टाइम है जब हम इन बड़ी कंपनियों के शेयर को परचेज करके उसमें ओनरशिप यानी उसमें कहीं ना कहीं अपना मालिकाना हक बना सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो कहीं ना कहीं भारत की सॉवरेनिटी भी खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में चाइना जैसी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट होगा तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर ग्रुप के रूप में हमारी भारत सरकार के डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट डालती। तो इस वजह से ये ज़रूरी हो गया था कि चाइना की इस तरीके के अवसर अधिग्रहण को रोका जाए। इसी काम को करने के लिए 18 अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने FDI पॉलिसी 2017 में संशोधन किया, और इस संशोधन में क्या काम किया इसे समझना बहुत जरूरी है। FDI पॉलिसी 2017 के पैराग्राफ नंबर 3.11, पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ का नाम है 3.1, ये पैराग्राफ नंबर है, इसमें संशोधन किया गया। इस संशोधन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस पैराग्राफ में कहा क्या गया है। ये पैराग्राफ कहता है कि भारत में कोई भी देश की कंपनी यहाँ पर निवेश करने के लिए स्वतंत्र है, सिवाय बांग्लादेश और पाकिस्तान के। यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान की अगर कोई निवेशक को भारत में निवेश करना होगा तो वो सरकारी मार्ग से ही आ सकता है, यानी वो स्वचलित यानी ऑटोमेटिक रूप से नहीं आ सकता। यानी अन्य देश के लोग भारत की कंपनी में निवेश कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंपनियां को भारत में निवेश करने से पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी, तभी वो भारत में निवेश कर सकते हैं। ऐसी बात पैराग्राफ नंबर 3.11 में की गई। अब इसमें अमेंडमेंट किया गया और इस पैराग्राफ में एक शब्द और जोड़ दिया गया, यानी कि पैराग्राफ बन गया 3.11A। इसमें ये संशोधन करके ऐड किया गया कि भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले जितने भी देश हैं वो सरकार की परमिशन के बिना भारत में निवेश नहीं कर सकते। यानी अब तक के ये पैराग्राफ ये कहता था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग सरकार की इजाज़त के बिना भारत में निवेश नहीं कर सकते, और अमेंडमेंट के बाद हो गया क्या कि भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले सभी देश सरकारी मार्ग से ही हमारे देश में निवेश करेंगे। इस अमेंडमेंट का जो अप्रत्यक्ष प्रभाव चीन को ही टारगेट करना था, क्योंकि चाइना ही इस अवसरवादी अधिग्रहण का फायदा उठा रही थी, और भारत ने बिना किसी देश का नाम लिए हुए चाइना को टारगेट करते हुए अमेंडमेंट किया कि अब भारत में निवेश
जो स्पर्श करने वाले देश है वो तभी निवेश कर पाएंगे जब पहले वो सरकार से परमिशन लेंगे। तो इस तरीके से सरकार ने COVID-19 की अवधि में या उस दौरान में जो हमारी कंपनियों में जो लॉस हो रहे थे उसका फायदा चीन उठा रहा था, सरकार ने बहुत अच्छी एक नीति में परिवर्तन करके महत्वपूर्ण डिसीजन लेके इतने बड़ी जो अधिग्रहण जो चाइना की मंशा थी, जैसा कि हम सब जानते हैं चाइना डेप्ट ट्रैप में फंसाकर लोगों की जमीनों को हथियाता है, यानी कि उनके उनकी सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है, इसी तरीके से भारत ने उसके इस खतरे को भांप लिया और अपनी FDI पॉलिसी में अमेंडमेंट करके बिना कुछ चाइना को टारगेट किए हुए, यानी प्रत्यक्ष रूप से चाइना का नाम लिए बिना हम लोगों ने एक ऐसा अमेंडमेंट कर दिया जिससे चाइना इस तरीके के अवसर का लाभ नहीं उठा सकता। तो ये टॉपिक में आपको ये जानना बहुत जरूरी था कि हमने COVID-19 के दौरान भी भारत सरकार कितनी सतर्क थी कि उसने इस बात पर भी ध्यान रखा कि कोई अन्य देश हमारी इस स्थिति का फायदा ना उठा सके। तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।